तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों अपने हालचाल में से वो कमेंट्स में लिख दें कि आप लोगों के हालचाल कैसे हैं। और सेकंड पे आए मैं जिस वीडियो को प्रोडक्शन करने लगा हूं, इसका आपको टाइटल पढ़कर बता दूं कि इस वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है। इसका टाइटल होने वाला है पीएम प्रूव्ड मी रॉन्ग शाह रशीद अहमद कादरी, शाह रशीद अहमद कादरी गेट्स इमोशनल आफ्टर रिसीविंग पद्माश्री अवार्ड। तो पद्माश्री अवार्ड इंडिया का एक अवार्ड है, इतना मुझे पता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका लेवल क्या है पद्माश्री अवार्ड का, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ, बट आप लोग किस लिए हैं यार, आप लोग मुझे बताएं कि पद्माश्री अवार्ड जो है वो किस चीज़ के लिए होता है और किस कारकर्दगी की सूरत में दिया जाता है, मतलब कि कौन सी खिदमात के जो है ना वो आपको प्रजेंट किया जाता है पद्माश्री। तो आएँ इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद करेंगे एज यूजुअल बातें। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देन हम स्टार्ट करते हैं अपने इस रिएक्शन को। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। बीजेपी गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुने। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज़ है उसके अंदर, 50 कलर फोटोज़ है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होके मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। विंटर में 8 दिन एक ईद का जैसा माहौल था, न्यू दिल्ली। बिद्री क्राफ्ट आर्टिस्ट फ्रॉम कर्नाटका शाह रशीद अहमद कादरी कन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड ऑन अप्रैल, आगे अप्रैल 5 लिखा हुआ शायद। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ अप्रैल 5 है। ये बिद्री क्राफ्ट क्या होता है, मुझे इसका बताया। अच्छा ये आर्टिस्ट है। यारी लिखा हुआ है बिद्री आर्ट फ्रॉम बिदार। ये बिदार ये क्या है मुझे इसका बताएं। एंड आर्ट ऑफ मेटल हैंडीक्राफ्ट हैंडेड डाउन बाय जनरेशंस, इसका मुझे बताइएगा। मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये मेटल क्राफ्ट क्या है और ये सारा क्या है। तो हैंडेड डाउन बाय जनरेशन, इसका मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्योंकि मेरा आर्ट से कोई तल्लक नहीं है। पद्मश्री 5 साल तक कोई खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए यह हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा यार, बड़ा मजे का थी, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। 26 जनवरी को स्टेडियम में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया, उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद का जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज़ है, 50 कलर फोटोज़ है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती,
मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। और मैं यार अनएक्सेप्टेबल शुक्रिया अदा करता हूँ अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी भाई, तो मैं आपने देखा होगा कि दरमियान में ढोक ढोक के देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था, तो हैंडीक्राफ्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्राफ्ट्स में इनको कुछ मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है क्राफ्ट्स में, मतलब मेरा क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं, मेटल क्राफ्ट था कुछ इस तरह से था, मुझे कन्फर्म नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ होती है, मैं मे बी नेट से सर्च कर सकता हूँ, पर अगर आप लोग बता देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा। तो ये सारा सीन था, और आपकी अगर एक्सपेक्टेशन जो थी वो इस तरह की हो कि आपको इस गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलेगा, और वहीं से उसी गवर्नमेंट से आपको अगर इतना बड़ा अवार्ड पद्मश्री जो सा है वो मिल जाए, तो इंसान की जो सी वो है क्या कहते हैं यार, तो उसका जो माइंड है वो जो सी उसकी होती है यार, वो समझ लें कि उसकी जो सी खुशी है, हैप्पीनेस है, वो इधर चल जाएगी, इधर मतलब कि यहाँ से यहाँ पे चल जाएगी। तो वो कहेगा यार मुझे तो इस गवर्नमेंट का मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी, बट इन्होंने किया, तो जाहिर बात है कि वो बंदा बहुत खुश होगा। तो इवन को उन्होंने इवन के मोदी जी को सामने हाथ पकड़ के बता दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे देंगे पद्मश्री, तो वो आगे से मोदी जी भी जो है वो मुस्कराने लग गए। तो ये जो सा होता है ना, ये उस इंसान को कहा जाता है कि जो सीधा इंसान हो, कि वो सीधा पीएम को कह रहा है यार मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, इस तरह का बंदा जो होता है ना सीधा होता है। और सेकंड पे मोदी जी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर समझने के टैलेंट की कदर की है, बल्कि इसमें ये बात हूँ कि जाहरी बात है एक बंदा जो वो कह रहा है मैं हर साल 12,000 रुपया लगाता था और 5 साल में ये गिरता रहा हूँ, तो 12,000 रुपया अगर 5 साल किया जाए तो 60,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए और आगे प्रेजेंट करने के लिए, तो इतने पैसे उसने लगाए 60,000 रुपया। तो उसको फिर उम्मीद तो यही होगी उसके बाद, जब जैसी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उनको ये लगा कि मे बी जो है ना अब मुझे ये नहीं मिलेगा, पर उसी टाइम उसको बुला लिया गया। तो ये यार ये बड़ा मजे का सीन होता है। तो टैट्स फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड खुदा हाफिज।